अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज ये मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ ये रीडिंग एंड वोकेबल डेवलपमेंट थ्री जीरो फाइव का यूनट नंबर वन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेविंग द वर्ड्स फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ फाइव वर्ड्स इन दिस चैप्टर यू ऑलरेडी नो वो कहते हैं कि फाइंड आउट करें कि इनमें से जो वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं इस चैप्टर में इनमें से आपको कितने पहले से मालूम है और फिर ट्राई टू कम्पलीट ईच सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो उसके बाद जो है ट्राई करें कि जो मोस्ट सूटेबल वर्ड्स हैं फ्रॉम द लिस्ट बिलो यूज़ ईच वर्ड वंस हर वर्ड को सिर्फ एक दफ़ा ही वो कहते हैं कि यूज़ करना है आपने बार यानी कि इन सेंटेंसेस में एक वर्ड को दो दफ़ा नहीं आपने फिल करना एक वर्ड को आ, फिलिंग द ब्लैंक्स में एक ही दफ़ा यूज़ करना है अब अप्रोप्रिएट है बिविल्डर है इमोशन है इन्वेस्टिगेट है और लैजिबल है अब अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है मुनासिब अप्रोप्रिएट ये कहते हैं ना कि मेरे लिए ये चीज़ अप्रोप्रिएट है मेरे लिए काम अप्रोप्रिएट है करना मुनासिब और बेविल्डर का मतलब है वे का मतलब होता है हैरान होना कंफ्यूज हो जाना पज़ल होना बेविल्डर का मतलब है हैरान होना कंफ्यूज होना, होना पजल हो जाना और इमोशन इमोशन आप लोगों को पता ही है कि फीलिंग्स इमोशंस इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट क्या है टू इन्वेस्टिगेट uh, करना किसी भी चीज़ की जो है इन्वेस्टिगेट करना उसका मुआना करना एक्सप्लोर करना एग्जामिन करना केयरफुली इन ऑर्डर टू लर्न द फैक्ट्स और लेजिबल है एबल टू बी रीड के पढ़ने के काबिल होना लैजिबल मतलब है कि एबल टू बी रीड उसके बाद अब इन फिलिंग द ब्लैंक्स को आपने इन में से अप्रोप्रिएट वर्ड्स लगा कर फिल करना है फर्स्ट क्या है डू यू बिलीव द थेरी दैट लव इज़ द मोस्ट पावरफुल अब इन पांचों में से आपने फिल करना है मोस्ट पावरफुल क्या है इमोशन एट फर्स्ट द न्यूमरस नॉइज फ्लैशिंग लाइट एंड वर्लिंग राइड्स ऑफ द फेयर बिविल्डर द चिल्ड्रन बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया पजल कर दिया कि पहले जो थी बहुत ज़्यादा आवाज़ें फ्लैशिंग लाइट्स और राइड्स जो थे बच्चों को उन्होंने इन चीज़ों ने बच्चों को बेवल्डर कर दिया कंफ्यूज कर दिया व्हेन वी गो ऑन ओवर वॉक्स माय डॉग डैश अ वेरी बश एट एवरी बुश एंड ट्री वी कम अक्रॉस व्हेन वी गो ऑन ओवर वॉक्स माय डॉग इन्वेस्टिगेट यानी कि क्या किया उसने इन्वेस्टिगेट किया एक्सप्लोर और एग्जामिन करना केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना एवरी बुश एंड ट्री विकम अक्रोस फिर क्या है एट द फैंसी डिनर शैला वॉश्ड हर होस्टेस टू सी विच फोक वाज डैश फॉर ईच कोर्स इसमें क्या है अप्रोप्रिएट आ जाएगा कि कौन सा जो है एट द फैंसी डिनर डिनर पर शैला वॉश्ड हर होस्टेस टू सी विच फोक वॉज अप्रोप्रिएट कि कौन सा जो फोक था कांटा था वॉज अप्रोप्रिएट मुनासिब था हर कोर्स के लिए टेन ईयर्स गो आई कार्ड माई इनिशियल्स इन अ ट्री कार्ड का मतलब होता है कंधा करना लिखना पेंसिल से खुरज कर लिखना रिसेंटली आई वॉ सरप्राइज टू सी दैट देजिबल कि मैंने टेन ईयर्स गो मैंने दरख्त के ऊपर ये कंधा किया था इनिशियल्स अपने लेकिन अब मैं जो है रिसेंटली आई वॉ सरप्राइज के हाल ही में मैं हैरान रह गया वो देख कर के वह अभी भी पढ़ने के काबिल था ये इलेजिबल हो जाएगा यहाँ पर तो अब ये फाइव वर्ड्स को आपको समझ आ गई कि इनको किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ किया है उसके बाद है फाइव वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इन फाइव वर्ड्स को यूज़ करना है अप्रोप्रिएट फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फाइव वर्ड्स बाय लुकिंग क्लोजली एंड केयरफुली एट द सेंटेंस बिलो बिलो डूइंग डूइंग सो 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 वेल विल प्रिपेयर यू फॉर द मैचिंग टेस्ट एंड प्रैक्टिस इज दैट फॉलो यानी कि वो कहते हैं कि ऐसा करने से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे मैचिंग टेस्ट यानी कि मैचिंग द कॉलम्स और जो है प्रैक्टिस करने के लिए अब अप्रोप्रिएट वाइल इट्स अप्रोप्रिएट टू स्क्रीम वंस अप्रोवल एट अ फुटबॉल गेम सच बिहेवियर इज नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर एट द बैलेट यानी कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर की सेंस में आ जाएगा सेकेंड वॉकिंग uh, shoes aren't appropriate फॉर वॉकिंग shoes aren't appropriate फॉर जॉगिंग अप्रोप्रिएट यहाँ पर वही कंफर्टेबल की सेंस में आ जाएगा कंफर्टेबल फॉर जॉगिंग यहाँ पे shoes की जगह ना बच्चों शूज आएगा वॉकिंग शूज आर appropriate अप्रोप्रिएट फॉर जॉगिंग जॉगिंग के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होते फिर है बिविल्डर द लार्ज न्यू स्कूल चंग बट आफ्टर अटिंग नो लॉन्गर कन्फ्यूजिंग टू हिम यहाँ पे क्या आ जाएगा बी विद्यूज की सेंस में आ जाएगा माई ग्रैंड मदर्स पुअर हेल्थर्ड द डॉक्टर ही फाउंड टेकिंग हर मेडिसन्स कि माय ग्रैंड मदर्स की पोअर हेल्थ जो थी शुरू में डॉक्टर्स को उसने कंफ्यूज कर दिया पजल कर दिया यहाँ तक के बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो मेडिसिन ठीक तरीके से नहीं ले रही थी इमोशंस फीलिंग की सेंस में आ जाएगा मैनी पीपल हैव ट्रबल टेकिंग अबाउट देयर इमोशंस स्पेशली देयर एंगर एंड फियर कि बहुत से लोगों को ट्रबल होती है कि अपने टॉकिंग अबाउट देयर इमोशंस अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए स्पेशली जो एंगर और फियर के इमोशंस होते हैं और इसके बाद है स्टैंड रेयरली शोज हिज इमोशंस कि वो अपनी कभी कभार ही अपनी इमोशंस को फीलिंग्स को शो करता है वी हैव टू गैस हमें गैस करना पड़ता है वट ही वॉज रियली फीलिंग कि वो असल में इधर हकीकत क्या महसूस कर रहा है और इसी तरह इन्वेस्टिगेट एंड एजिबल को भी सेंटेंसेस में जब यूज़ किया गया है तो उसको जो है वो किया गया कि एफ हैज़ बीन कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट द डिसपेयरेंस ऑफ द बेबी फ्रॉम द हॉस्पिटल कि एफ जो है फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन कॉल्ड को बुलाया गया टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए लुक इंटू करने के लिए देखने के लिए डिसअपेयरेंस ऑफ द बेबी फ्रॉम द हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल से बेबी गायब हो गया था मैन आई हार्ड अ नॉइस डाउन स्टेयर एट थ्री एम आई ले स्टेयर इन द बेड टू फ्राइट एन टू गेट अप एंड इन्वेस्टिगेट दचुएशन लुक ऑब्जर्व यानी कि यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट जो है और देखने की सेंस में आ जाएगा लैजिबल माई फादर यूज़ टू मेक मी रिराइट माई स्लोपी होमवर्क आई कैन बियरली रेड दिस ही वुड से मेक इट लेजिबल कि इसे क्लियर करो क्लियर लिखो द फैंसी स्क्रिप्ट ऑन दैट न्यू रेस्टोरेंट साइन इज एन फुलजिबल डज इट्स से पैरेठिस फेरेली और पेपिलिस यानी कि वो कहते हैं कि जो फैंसी स्क्रिप्ट लिखा गया था बहुत बना सिंगार के न्यू रेस्टोरेंट पर जो स्क्रिप्ट लिखा गया था वो लेजिबल नहीं था यानी कि वो ये लग रहा था कि शायद पैट हीज लिखा गया है पैरलीस लिखा गया है उसके बाद थर्ड है मैचिंग वर्ड्स एंड डेफिनेशन के वर्ड्स एंड डेफिनेशन को मैच करें अब मैच द कॉलम जैसे आप लोग पहले भी करते हैं मैच द कॉलम्स आ जाएगा अप्रोप्रिएट आ जाएगा अप्रोप्रिएट को आपने पहले यहाँ पर आपने अब कर देना है अप्रोप्रिएट का क्या है मुनासिब होता है अब आपने पहले जो आपने ये वाले की हैं इनसे आइडिया हो गया कि इनके क्या मीनिंग्स हैं अब अप्रोप्रिएट का मतलब है प्रॉपर सूट टू अ सर्टेन यूज़ और पर्पस। सेकंड क्या है बेविल्डर बेविल्डन का आप लोगों को बता दिया था कंफ्यूज होना पजल होना इमोशन क्या है फीलिंग्स इन्वेस्टिगेट क्या है इन्वेस्टिगेट करना टू एक्सप्लोर और एग्जामिन केयरफुली और लॉजिबल है एबल टू बी रीड ये हो जाएगा उसके बाद है कंप्लीट e ही सेंटेंस बिलो विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स यूज ईच वर्ड्स वंस वही बात जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया है इसी कोई अगेन इन्होंने यहाँ पे कर दिया अगेन हमने इन फाइव uh, जो है वर्ड्स को रीड आउट करना है और फिर इनमें हमने एक्सरसाइज में पुट कर देना है लव एंड हेट आर अपोजिट इमोशन हो जाएगा अ लार्ज स्कूल विद मैनी हॉलवेज इज बाउंड टू वी बिल्डर आ न्यू स्टूडेंट के एक बड़ा स्कूल बहुत सारे हॉलवेज राहदारियाँ स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजिंग थे अ मैसेज देर बैडली लि स्क्रेबल मे नोट बी एलिजिबल इट्स अ डिटेक्टिव जॉब टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स रनिंग शूज आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर जॉगिंग देन वॉकिंग शूज अब देखें यहाँ पे वॉकिंग शूज़ आ गया ना ये आपको पीछे भी बताया था कि ये वॉकिंग जो थे ये शोज़ नहीं थे शूज थे ये वाले ये हो गया उसके बाद है चेक टू कम्प्लीट इज सेंटेंस बिलो विद द कुरेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स यूज ईच वर्ड वांस अगेन वही रेपिटेशन आ गई है भी कि आपने उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे सेंटेंसेस में पुट करना है देखकर कर अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करना है सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस के लिहाज से अब ये हो जाएगा ये अगेन वही सारी चीज़ आ गई है इसके बाद जो है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर टू ईच कस्चन अप्रोप्रिएट मीन्स द अपोजिशन ऑफ इमप्रॉपर यानी एंटोनीमा हो गया यहाँ पे सम वन हु इन्वेस्टिगेट असिचुएशन इज एक्सप्लोर इट स्टोरीज मैन टू बी विल्डर एस आर कॉल्ड मिस्ट्रीज़ यानी कि ऐसी स्टोरीज जो कि कन्फ्यूजिंग uh, हो उनको क्या कहते हैं मिस्ट्रीज बाकी कॉमेडीज है और रोमांस हैं ये नहीं है एंड इमोशन इज समथिंग वी फील इमोशन क्या है जो कुछ हम फील करते हैं महसूस करते हैं टू क्रिएट लेजिबल वर्ल्ड प्रैक्टिस यूर हैंड राइटिंग आप जो है अपने वर्ड्स को एलेजिबल पढ़ने के काबिल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें जो है अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें प्रैक्टिस योर हैंड राइटिंग फ़ाइनल चक्का आ जाता है मिस्टीरियस लेटर है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली देन फिल इन ईच ब्लैंक विद द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट क्लूज विल हेल्प यू फिगर आउट विच वर्ड गोज़ इन विच ब्लैंक अब ये क्या है कि उन्होंने हमें जो है कॉन्टेक्स्ट uh, दिया हुआ है और उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर इसके कॉन्टेक्चुअल जो है वो आइडिया लेके हमने इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स पुट करने हैं द से दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन हैज़ बीन प्रूव बाय माई रूम मेट एंड एक्सपीरियंस लास्ट थर्स डे एंड रिसीव्ड अ लेटर दैट हैज़ कंप्लीटली यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बिल्डर हिम ही इज़ एंड कंफ्यूज about what it says it's clearly typed and thus quite legible uh, what he's confused about is who it is uh, from you see our puppy got a hold of it while it was still in the envelope and chewed upper corner uh, the corner the signature was on uh, it's clear the letter is from one of and his female friend yoga is going crazy wondering uh, who the letter is from because it is about a very important emotion love emotion basically the letter says you and i uh, have always been good friends, but i have to tell you my feelings for you have grown into more than friendship poor Andy isn't quite sure what to do in order to investigate the mystery investigate here he will go home next month and visit all the girls he knows once he discovered who his mystery love is he will be able to decide what he wants to communicate to her in return he wonders which response will be most appropriate thanks but no thanks let's give it a try try or how could i be so lucky तो ये आई होप कि आप लोगों को पूरा जो यूनिट है समझ आ गया होगा इसमें जस्ट यानी कि इन फाइव वर्ड्स को उन्होंने घुमा फिरा के बस बताया कि इनको कहाँ पे इनके मीनिंग्स के हिसाब से कहाँ एग्जैक्टली पुट करना है बस इसमें ये चीज़ है